महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार से राज्य में कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी आ सकती है। इसे लेकर बुधवार को स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी की है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने की वजह से 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू नहीं हो पाएगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे पर्याप्त संख्या में टीके उपलब्ध नहीं होने पर पहले ही चिंता जता चुके हैं। महाराष्ट्र कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है और वहां फिलहाल 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीन की कमी की खबर है, जिससे राज्य में टीकाकरण की रफ्तार धीमी है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 महामारी पर सही तरीके से तभी लगाम कसी जा सकती है जब टीकाकरण के योग्य 2/3 आबादी को टीका लगाया जाए। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र में टीका लगाने योग्य 9 करोड़ लोगों में से महज 1.5 करोड़ लोगों को ही अभी तक टीका लग सका है, जो बहुत कम है। उन्होंने चेतावनी दी, अगर हमने टीकाकरण की रफ्तार तेज नहीं की तो जब लोग नौकरी या दूसरे कामों के लिए बाहर निकलेंगे तो इससे कोविड-19 की तीसरी लहर आ सकती है। सीनियर अधिकारी का कहना है कि बड़ी आबादी का टीकाकरण नहीं किया तो हम तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिसंबर में दी गई छूट से लोग लापरवाह हो गए और इससे फरवरी से कोविड-19 की दूसरी लहर शुरू हो गई। हम अब भी इससे पीड़ित हैं। महाराष्ट्र में अप्रैल में अब तक कोरोना वायरस के 15,53,922 मामले सामने आए हैं और 11,281 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार को 20 मई से पहले भारत बायोटेक या सीरम इंस्टीट्यूट से टीका मिलने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा, ऐसे हालात में हम 18 से 44 साल तक के लोगों का टीकाकरण 1 मई से नहीं कर पाएंगे। हमें मई के तीसरे हफ्ते तक इंतजार करना होगा। कोविड-19 पर राज्य कार्यबल के एक सदस्य ने कहा कि ज्यादा टीके होने से महाराष्ट्र काफी संख्या में लोगों का टीकाकरण करता। उन्होंने कहा, मानसून के दौरान भारी बारिश और भूस्खलन सहित इस अभियान को अंजाम देने में कई बाधाएं आएंगी। कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग में शामिल एक वैज्ञानिक ने कहा कि अगर वायरस इसी तरह म्यूटेट करता रहा तो टीकाकरण का मकसद फेल हो जाएगा। उन्होंने कहा, टीकाकरण में अगर हम इतना समय बर्बाद करेंगे तो कोविड-19 का नया म्यूटेंट आ जाएगा जिस पर टीके का असर नहीं होगा। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।